हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैं आपके ही स्कूल से, आपकी ही क्लास से आज आपको EVS पढ़ाऊंगी। सो बिफोर स्टार्टिंग, वन इन्फॉर्मेशन फॉर यू दैट एज पर द CBSE सिलेबस, वी हैव डिडक्टेड सम ऑफ द चैप्टर्स फ्रॉम योर सिलेबस एंड द फाइनल सिलेबस विल बी गिवन टू यू ऑन व्हाट्सएप। ओके, नाउ स्टार्ट द टॉपिक। आज चैप्टर 5 काइंड्स ऑफ एनिमल्स से स्टार्ट करेंगे हम। सो बिफोर नोइंग द काइंड्स ऑफ एनिमल्स, हम जान लेते हैं कि एनिमल्स की फूड हैबिट्स, उनका रहने का क्या वे होता है। देखो, एनिमल्स की हैबिट्स और हैबिटेट्स अलग अलग होते हैं, वो अलग खाना खाते हैं, अलग जगह रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी शेप डेवलप होने लग जाती है। तो उनके अंदर बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज़ भी है और कुछ सिमिलैरिटीज़ भी, जैसे उनके पास हेड है, उनके पास ट्रंक है और उनके पास टेल है। नाउ कम टू द काइंड्स। फर्स्ट काइंड इज फिश। फिश जो है वो पानी में रहती हैं, लिव इन वाटर, पानी के बिना वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट फिन्स। फिन्स उनको हेल्प करते हैं स्विमिंग में, जैसे अगर उनको स्विमिंग करनी है तो वो फिन्स की हेल्प लेंगी। नेक्स्ट है गिल्स। गिल्स हेल्प करते हैं उनको ब्रीदिंग में, अगर उनको सांस लेनी है तो वो सांस लेंगी गिल्स के थ्रू। नेक्स्ट, डू नॉट हैव लेग्स, उनके लेग्स नहीं होते हैं मूव करने के लिए। एंड स्केल्स, दे हैव हार्ड प्लेट्स। स्केल्स क्या होते हैं? ये हार्ड प्लेट्स होती हैं जो फिश की बॉडी को, फिश की स्किन को प्रोटेक्ट करती है आउटर अटैक से। मतलब अगर बाहर उनके ऊपर कोई भी एनिमल अटैक करता है तो जो उनकी स्केल्स होती हैं, ये हार्ड प्लेट्स, ये उनकी स्किन को प्रोटेक्ट कर लेती है उसी टाइम ही। नेक्स्ट, इनकी फूड हैबिट्स क्या है? ये स्मॉल एनिमल्स और प्लांट्स खाते हैं जो पानी में ही होते हैं और कुछ बिग फिश, स्मॉल फिश भी खाती हैं। तो ये इनकी फूड हैबिट्स है। ऑल दिस वॉज अबाउट फिश। नाउ नेक्स्ट टाइप इज इंसेक्ट्स। दे आर स्मॉल एयर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है। मतलब इनके 3 pair ऑफ लेग्स होते हैं एंड 1 pair ऑफ एंटेने होते हैं। तो दिस वॉज इंसेक्ट्स बॉडी। एंड सम हैव विंग्स टू फ्लाई, कुछ इंसेक्ट्स के विंग्स भी होते हैं जो उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, हाउस फ्लाइज, बटरफ्लाइज, कॉकरोच एंड आंट्स। नाउ द थर्ड टाइप इज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो लैंड पर भी और वाटर पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब चाहे वो लैंड पर रहे या वाटर पर रहे, तो दोनों ही जगह वो सर्वाइव करेंगे। अगर हम फिश को देखें तो फिश सिर्फ वाटर में ही सर्वाइव करती है, जबकि एम्फीबियंस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों जगह ही अच्छे से रह सकते हैं, जी सकते हैं। मॉइस्ट एंड हेयरलेस स्किन, इनकी जो स्किन होती है मॉइस्ट होती है और हेयरलेस, मतलब इनकी स्किन पर बाल नहीं होते हैं। और ये ब्रीथ करते हैं अपनी स्किन के थ्रू, जब ये वाटर में होते हैं तो ये अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं पानी में इजीली। सम आर हर्बीवर्स एंड सम आर कार्निवर्स, मतलब जो एम्फीबियंस होते हैं, हर्बीवर्स कौन होते हैं? जो सिर्फ प्लांट ही ईट करते हैं, वो किसी भी जानवर का मांस नहीं खाते हैं। जबकि कार्निवर्स एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं और उन पर सर्वाइव करते हैं, लाइक फ्रॉग्स एंड टॉड्स। नाउ नेक्स्ट टाइप इज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कौन होते हैं? जो रेंगने वाले जीव होते हैं। तो रेप्टाइल्स की क्या स्पेसिफिक क्वालिटी है? ड्राई स्केली स्किन, इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है और इनके पास 2 short forelimbs और 2 short hindlimbs, मतलब जैसे जो हाथ पैर होते हैं इनके, 2 आगे की तरफ होते हैं और 2 पीछे की तरफ होते हैं। एक्सेप्ट स्नेक्स। स्नेक्स को कभी आपने देखा होगा रेंगते हुए, उनके पास कोई भी लिम्स नहीं होते हैं, वो जस्ट रेंगते हैं सीधे। जबकि अगर आप लीजर्ड को देखें तो लीजर्ड जो है वो, उसके पास 2 आगे लिम्स होते हैं और 2 पीछे होते हैं। सिर्फ स्नेक को छोड़कर सभी रेप्टाइल्स के पास 4 total limbs होंगे, 2 forelimbs एंड 2 hindlimbs। नाउ द फिफ्थ टाइप इज बर्ड्स। जो बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी कवर होती है विद फीदर्स। तो जितने भी बर्ड्स होते हैं उनकी सभी की बॉडी पर आपको फीदर्स मिलेंगे और इनके पास 4 limbs नहीं होते हैं। जैसे आपने सुना है 4 और हिंड लिम्स,
दो तरह के लिम्स होते हैं, तो इनके पास फोर लिम्स नहीं होते हैं, उसकी बजाय इनके पास टू विंग्स होते हैं जो इनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। तो बर्ड्स किसकी हेल्प से फ्लाई करते हैं? विंग्स की हेल्प से। और इसके साथ साथ इनके पास टू हिंड लिम्स भी होते हैं, या फिर आप इनको लेग्स भी बोल सकते हैं, जो इनको वॉक करने के, जंप करने के, या फिर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बर्ड्स के पास फोर लिम्स नहीं होते हैं, विंग्स होते हैं और टू हिंड लिम्स होते हैं, या फिर आप इनको लेग्स भी बोल सकते हैं। इसके साथ साथ इनके पास हार्ड बीक्स होती हैं जिससे ये ईट करते हैं, मतलब जो इनको खाने में हेल्प करती है। और इनके पास टीथ नहीं होते हैं, बर्ड्स के पास बिल्कुल भी टीथ नहीं होते हैं, दे हैव नो टीथ। फॉर एग्जाम्पल स्पैरो, पैरट एंड पिकॉक, ऑल दीज आर बर्ड्स। नाउ नेक्स्ट टाइप इज मैमल्स। मैमल्स कौन होते हैं? जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं और खुद ही उनका फीड करते हैं अपने ही मिल्क से। मैमल्स के पास टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, मैमल के पास भी टू पेयर्स होते हैं। जो ह्यूमन बीइंग है वो दोनों लिम्ब यूज़ नहीं करते हैं चलने के, जबकि ह्यूमन बीइंग के अलावा जितने भी मैमल्स हैं सभी अपने दोनों पेयर ऑफ लिम्ब्स को चलने के काम में लेते हैं। जैसे जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, मतलब जैसे मैं हूँ, तो मैं, मेरे पास जो दो लिम्ब है, एक दो ये है, एक पेयर ये है और एक पेयर जिसको मैं वॉक करने के लिए यूज़ करती हूँ। इनकी बॉडी कवर होती है फुली विद हेयर। जो मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी पर आपको हेयर ज़रूर मिलेंगे। दे आर हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स। हर्बीवर्स कौन होते हैं? जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कुछ मैमल्स सिर्फ प्लांट्स पे ही सर्वाइव करते हैं, कुछ मैमल्स कार्निवर्स होते हैं, मतलब वो सिर्फ दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं, और कुछ ओमनिवर्स होते हैं। ओमनिवर्स का मीन्स दोनों, जो हर्बीवर्स और कार्निवर्स के मिक्सचर से बनते हैं, मतलब वो प्लांट भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स का मांस भी खाते हैं। और एक स्पेशल थिंग होती है मैमल्स के बारे में कि ह्यूमंस के अलावा किसी के पास, ह्यूमंस के अलावा सभी मैमल के पास टेल होती है, मतलब एक जो जैसे हम ह्यूमंस हैं हमारे पास टेल नहीं है, बाकी सभी मैमल के पास आपको टेल मिलेगी। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, काउस, एलिफेंट्स एंड डॉग्स। स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 हैज़ बीन कम्प्लीटेड, गो थ्रू इट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।